वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम देने वाले हैं टेस्टिंग ऑफ लाइफ हैक अगेन, क्योंकि आप लोगों को लाइफ हैक्स बहुत पसंद है नहीं। और मुझे जब नए लाइफ हैक्स मिलते हैं तो मैं सोचती हूँ कि मैं आप लोगों को क्यों ना झिलाऊं। क्या बात है सर, क्या बात, नॉट झिलाऊं बट आई मीन क्यों ना आपको भी सतर्क करूं इन फैक्ट्स के बारे में। सुरक्षित रहें और देखते रहें। तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और आज से हम लोग नेक्स्ट वीडियो से हम लोग नोटिफिकेशन शाउटआउट वापस चालू कर रहे हैं। तो मेक श्योर कि आप नीचे हैशटैग नोटिफिकेशन स्क्वाड डाल देना और पिंक हार्ट डाल देना, क्योंकि मैंने आज पिंक पहन रखा है। जो पहला है कि वो है बहुत ही मस्त, क्योंकि उसमें मैजिकल हो रहा है। उसने बेसिकली एक स्ट्रॉ डाला, उसका जो मुंह है वो ग्लास में डाला, और जब उसने सिर्फ बॉटल के अंदर की तरफ से फूंका तो स्ट्रॉ ने खुद ब खुद ही उसके लिक्विड को ले लिया और बाहर फोड़ने लगा। I don't know if it will work, but let's see and see if it works. Okay guys, आप देख सकते हो कि ये हमने ये रियल की कॉकरेट वाटर लिया है, और ये रहा ग्लास और ये रहा स्ट्रॉ। अब मुझे सिर्फ इसमें पीछे से फूकना है और देखना है कि इसमें से आता है कि नहीं आता है। ओ भाई, मारो मुझे, मारो, लेट मी गिव इट अ ट्राई। आया ना, मेरी सांस फूल गई। थोड़ा जल्दी करोगे, मुझे सुसू आ रहा है। लिपस्टिक पूरी पूरी ट्रांसफर होगी। बाय चांस कोई मुझे अगर ट्रांसफर प्रूफ लिपस्टिक स्पॉन्सर करना चाहता हो तो नहीं। एनीवेज, इसमें इतना ट्रांसफर हो गया है, देख सकते हो आप। तो दिस हैक डेफिनेटली वर्क, सो आप भी ट्राई कर सकते हो मजे मजे के लिए, क्योंकि आपको ऐसे थोड़ी पीना पसंद होगा। आपको पहले ऐसे फूक फूक के इधर ट्रांसफर करना है, और आप ऐसे भी नहीं डाल सकते हो, समझ रहे हो आप। ये वाला थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है कि नहीं वर्क करेगा। क्यों? क्योंकि उसमें वो बनाना खाता नहीं, पहले वो आइस खाता है, मुंह में रखता है, फिर वो बनाना खाता है, और उसके बाद वो मुंह से फूंकता है तो स्मोक निकल के आती है। लेट्स होप ये करे, बिकॉज़ बहुत ही फन लगेगा मेरे मुंह से ऐसा धुआं निकलता हुआ। मम्मी मैं स्मोक वोक नहीं करती है। बिल्कुल नहीं। और आइस करके स्मोक निकाल रहे, ठीक है मम्मी। ओके गाइस, तो आइस मैं तो केला कट गया। कुछ नहीं हुआ ना, दिस हैक डजंट वर्क गाइस। तीसरा जो है वो है बहुत ही मस्त, क्योंकि ये आप लोग ट्राई मत करना, बट मैं बस दिखा रही हूँ कि कैसे होता है। इसमें बेसिकली ये लोग दिखा रहे हैं कि अगर आपको ए के अलावा कोई भी ग्रेड मिलता है, बी सी डी एफ ई एफ माइनस वाला निकालना जो भी मिलता है, अगर ऐसा कुछ मिलता है तो आप उसको कैसे घर पे मम्मी पापा को दिखाने से पहले ए प्लस बना सकते हैं। वेरी इजी टू डू, सो लेट्स सी इफ इट वर्क्स। मैं अभी बता रही हूं बच्चों, मत ट्राई करना, सिर्फ आप लोग के एंटरटेनमेंट के लिए करने हो। मम्मियों से देखो चप्पलें मत फड़वाना, मैं बता रही हूं, ठीक है। ओके गाइस, ये है हमारी ग्रेडिंग जो उन्होंने हमें दिखाई है, और इसको देखो कैसे करना है। इसको करो ए प्लस, इसको कर दो ए प्लस, इसको ऐसे कर दो ए बना दो प्लस। अब ये पता नहीं फॉर सम रीजन उन्होंने दिया है, पर हमारे को ऐसा कोई नहीं देता 41 लेट, बट ए प्लस डेट। अब उन्होंने ऐसे किया था। इस तरीके से आप अपने सारे बैड ग्रेड्स को ए प्लस बना सकते हो, पर मैं बोलूंगी मत बना। देखो मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी मम्मी अब मुझे पर्सनली ईमेल करे और मुझे गालियां दे, इससे अच्छा है कि आप सब इसको देखो, एंजॉय करो एंड बंद कर दो। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। तो ये वाला तो डेफिनेटली अच्छा लगेगा आप लोगों को, क्योंकि भैया फॉर सम रीजन मेरे साथ स्कूल में ये बहुत ज्यादा होता था कि मेरे या तो टेबल पे या तो मेरी चेयर पे कहीं ना कहीं गम चिपका होता था, और मैं बेवकूफ की तरह या तो अपनी अपनी स्कर्ट पे चिपकावा देती थी, या फिर कोई ना कोई मेरे आंखें बालों पे लगा देता था, और फिर कुछ नहीं हो पाता था, मेरे बालों को वहां से काटना पड़ता था।
मजाक कर रही हूँ, बालों पे तो कभी नहीं लगा, बट आप लोग अगर कभी लगा हो तो आप कैसे हटा सकते हैं, वो वाला है क्या? और इसमें दिखाएंगे कि आपको सिर्फ आइस चाहिए और आपका गम आपके कपड़ों से निकल जाएगा, बट क्योंकि हम लोग और ज्यादा बहुत पहुंची हुई चीज है हम लोग तो हम लोग हमारे बालों पे भी लगा के देखेंगे और देखेंगे कि बालों से निकलता है कि नहीं निकलता। देखो मैं आप लोगों के लिए ट्राई कर रही हूं, आप लोग मत ट्राई करना, बाय चांस आप लोगों के बालों पे लग जाता है तो आप ये ट्राई कर सकते हो, ठीक है? ओके लेट्स गो। इसके लिए हम गम ले रहे हैं, इसको चबाएंगे, अच्छा थोड़ी देर ज्यादा चबाएंगे, थोड़ा और, थोड़ी देर ले जाएंगे, थोड़ा स्वाद लेंगे। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। ये किसी की दिक्कत है? मेरी बिल्कुल नहीं। बहुत तेज हो रहा है गम, और इसको अपन को अच्छे चिपका देना है, ठीक है? देखो अब इसको थोड़ा सूखने देते हैं, तब तक हम हमारे बालों में लगाते हैं। क्यों? क्योंकि मेरे दिमाग खराब है। ओके गाइस, आप लोगों के लिए एक बार बालों में भी ट्राई कर रही हूँ। क्यों? पर देखो, ठीक है? नहीं तो काटने पड़ेंगे मेरे को, बट ठीक है। ये मुझे ऐसा क्यों देजा वो आ रहा है कि मैंने पहले भी किया हुआ है? अगर आप लोगों को याद हो तो नीचे कमेंट करना गाइस, मेरे को ऐसा लग रहा है मैंने ये पहले किया है। इसको थोड़ी देर सूखने देते हैं और फिर आइस से पहले कपड़े का निकालते हैं, फिर इसका निकालते हैं। मेरे टॉप के साथ मैच कर रहे हैं, ठीक है? सबसे पहले कपड़े पे किया जाए, सही में निकल रहा है बहन, सही में निकल गया बिना चिपके। ओके लेट्स होप कि मेरे बालों वाला भी ऐसे निकल जाए। ओके ओके ठीक है गाइस, ये रहे मेरे बाल, जो हमको पूरा ठंडा करना। मेरे बाल नहीं काटे, एक बाल भी नहीं टूटा और पूरा का पूरा गम बाहर आ गया, परफेक्ट आ गया गाइस। आप लोग डेफिनेटली ट्राई आउट कर सकते हैं, अगर आपको कोई ऐसे परेशान करे तो आपको बिल्कुल रोने की जरूरत नहीं, आप बस एक आइस लो और अपना गम अपने अपने हाथों से निकालो, आत्मनिर्भर बनो। ओके गाइस, ये वाला जो है बहुत ही कूल है, क्योंकि इसमें इन्होंने दिखाया है कि अगर आप उसको प्याज को इस तरीके से काटोगे या फिर इस तरीके से काटोगे या फिर मेरे मुंह पे दिख रहा होगा आपको इस तरीके से काटोगे तो आपको आंसू नहीं निकलेंगे। लेट्स होप इट वर्क्स, क्योंकि मैं प्याज बहुत तो नहीं काटती हूँ पर जितना भी काटती हूँ तब मैं बहुत रोती हूँ, सो लेट्स सी इफ इट वर्क्स और नॉट, लेट्स गो। ओके गाइस, इसके लिए मैं ले आई हूँ प्याज और इसके सिर्फ छिलका हटाने में मेरे आंसू निकल चुके हैं थोड़े से, बट लेट्स होप कि आगे नहीं निकलेंगे। तो इसको चॉप करने का तरीका दिखाया उन्होंने, बेसिकली सिर्फ बीच वाले को छोड़ के चारों साइड आप ऐसे ऐसे कट लगा दो। वो अलग बात है, हमारे प्याज में कुछ शॉर्ट कमिंग्स है। कब तो हो गए, गुड एनाफ? और नहीं भैया, मेरी तो आंखों में स्ट्रेस जलन हो रही है। नहीं आई थिंक इट, नहीं ओह शिट, हाँ मैंने जब तक आंखों तक नहीं पहुंचाया था तब तक ठीक था, अब ज्यादा हो गया। शिट तो नहीं यार, तुम एक दूसरे प्याज को उठाने काटने जाओगे उतरे में तो रोना आ जाएगा ना, तो अपनी आंखों भी कौन लेके जाता प्याज? नहीं मतलब ये तो पहला प्याज था, एक और प्याज काटने गई तो स्टिंग ऊपर आई जाएगी जैसे अभी आई है। हाँ तो जैसे आई डोंट थिंक इट वर्क्स, और अच्छे से मेरे से चॉप भी नहीं हुआ, बट या आप लोग भी ट्राई करो और मेरे को बताओ अगर आपका वर्क करे तो। मेरे से किचन के काम मत करवाया करो। सो दैट वाज इट फॉर टुडेस वीडियो गाइस, आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया, थोड़ा सा भी चिंटू से मिंटू से छोटू सा भी पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, एंड नाउ आई विल सी यू गाइस इन नेक्स्ट वीडियो, बाय। 3, 2, 1